नमस्कार प्यारे बच्चों, और सभी ठीक हो? और क्या हो रहा है भाई? कक्षा आठवीं के जो बच्चे हैं वो अपना घर काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं जो काम करते हैं? मेरे पास जैसे रुपया है, ऐसे जो बच्चे हैं दो चार जो पूरा अपना काम करते हैं और समय अनुसार भेज देते हैं ग्रुप पर, बाकी आप सभी लोग कोई काम नहीं कर रहे हो। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हो ना। मोबाइल सबके पास है, लेकिन लॉकडाउन का जो हमको जो है जो हुआ है उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों का मैं चौथा पाठ पढ़ा था, सागरी नितल की संरचना। सागरी नितल की संरचना माने सागर के निचले हिस्से की जो बनावट कैसी है, हम लोग उसके बारे में पढ़े थे ना। सागरी गर्त, सागरी द्वीप, सागरी कमान आदि के बारे में आप लोगों को बताया गया था, सागरी बंग तट। बराबर आज जो है जो अगला चैप्टर है पांचवा पाठ, वह है सागरी धाराएं। क्या है? सागरी धाराएं, जो समुद्र के अंदर धाराएं बहती हैं उसके बारे में लोग आज जो है आप लोग बताऊंगा। सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चों कि हम लोग यह जान लें कि सागर महासागर बराबर तो दो होते हैं ना। महासागर बड़ा होता है, सागर जो है छोटा होता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के पश्चिम, मुंबई के पश्चिम में अरब सागर है, और अपने देश के दक्षिण जाओगे तो वहां क्या मिलेगा? हिंद महासागर। क्या मिलेगा? हिंद महासागर। तो अपने हम लोग सागरी धाराएं पढ़ेंगे, जो सागर में धाराएं कैसे बहती हैं, सागरी धाराएं किसे कहते हैं, सागरी धाराएं का निर्माण कैसे होता है, सागरी धाराओं का निर्माण से तापमान है, घनत्व है, गहरी पवन है आदि के कारण जो है सागरी धाराओं का निर्माण होता है। आइए देखते हैं हम लोग सागरी धाराएं किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं बच्चों, सागरी जल के तापमान, लवणता, घनत्व, ग्रहीय पवन आदि घटकों के कारण सागरी धाराएं उत्पन्न होती हैं। सागरी जल के तापमान बराबर, उसके लवण यानी क्षारता, लवण क्या होता है? क्षारता, क्योंकि समुद्र में क्षारता अधिक पाई जाती है, जिस क्षार से क्या बनता है, नमक, नमक क्षार होता है ना, तो क्षारता अधिक होती है। जिस सागर में मीठे जल की नदियां अधिक मिलती हैं वहां क्षारता क्या होती है? कम होती है बच्चों। और जहां नदी कम मिलती है वहां क्षारता क्या होता है? अधिक होता है। जैसे हमारे देश के पश्चिम अरब सागर है और पूर्व बंगाल खाड़ी है, दोनों अंतर है। अरब सागर की क्षारता अधिक है और बंगाल खाड़ी क्षारता कम है। क्यों कम है? क्योंकि बंगाल खाड़ी में जो है हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियां वहां पर मिलती हैं, बराबर, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि देशी नदियों का जल कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में, जिससे वहां की क्षारता क्या होती है? कम है। तो सागरी तापमान, लवणता, घनत्व, ग्रहीय पवन, जो पवन बहते हैं इसके अनुसार जो है सागरी धाराएं उत्पन्न होती हैं। आई बात समझ लें? इसे सागरी धाराएं कहते हैं। अगला क्या किया है कि दिशाओं में परिवर्तन। प्यारे बच्चे, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण सागरी धाराएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में दक्षिणावर्त माने दक्षिण की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में वामवर्ती बहती हैं। महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र की रचना के अनुसार भी सागरी धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र की जो बनावट होती है उसके अनुसार भी सागरी धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे हमारी घड़ी सुई घूमती है ना, यह उत्तरी गोलार्ध में, हमारी पृथ्वी के दो प्रमुख गोलार्ध है प्यारे बच्चों, एक उत्तर गोलार्ध है और क्या है? दक्षिण गोलार्ध है। हम लोग किस गोलार्ध में आते हैं? उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उससे देखेंगे तो पूर्व गोलार्ध में आते हैं। तो उत्तर पूर्व दोनों में आता है, लेकिन दो मुख्य गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है और क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो घड़ी की सुइयों की तरह जो है वो दिशाएं क्या हो जाती हैं? परिवर्तित होती है। याद दिया है ना, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण किसे कहते हैं? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए जब एक चक्कर लगाती है तो उसको कितना समय लगता है प्यारे बच्चों? 24 घंटे। कितना? 24 घंटे, जिससे दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात, जिसको
पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। परि माने अपने परिध पर घूमती है चारों तरफ, कीड़ी पर जो भ्रमण करती है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण जो है सागरी धाराएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सूर्य की दिशा में दक्षिणावर्त क्या होती है दक्षिण तरफ, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सूर्य के विपरीत दिशा में उत्तरी यानी वामावर्ती बहती है। लेकिन महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र की संरचना के अनुसार भी सागरी धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। अब गति देखते हैं, सागरी धाराओं गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो सागरी धाराओं गति है वह 2 से कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बहती है। इनकी अधिकतम जो है गति है 2 किलोमीटर और अधिकतम जो है 10 किलोमीटर तक बहती है। पहला पॉइंट क्या दिया है, सागरी धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म धारा होती है और एक क्या होती है ठंडी धाराएं। 2 धाराएं होती हैं, एक गर्म धाराएं होती हैं और क्या होती है ठंडी धाराएं होती हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वह कौन रेखा है जो 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, विषुवत रेखा या उसको भूमध्य रेखा कहते हैं न। तो विषुवत रेखा पर प्यारे बच्चों सूर्य की किरणें पूरे साल भर जो है लंबवत पड़ती हैं, वहां तापमान पूरे वर्ष भर क्या होता है अधिक रहता है ना। इसके कारण जो है विषुवत रेखा से जो धाराएं ध्रुवीय प्रदेश की तरफ बहती हैं उसको गर्म धारा कहते हैं, और जो ध्रुवीय प्रदेश की तरफ से धाराएं विषुवत रेखा की तरफ बहती हैं उसे क्या कहते हैं ठंडी धाराएं। बराबर, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर 2 धाराएं आती हैं। लेब्राडोर धारा जो होती है क्या है ठंडी धारा है, और गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है वो गर्म धारा है। हम लोग मानचित्र में जब देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे जो है धाराएं जो है बह रही हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव तरफ जा रही हैं या ध्रुव से विषुवत वृत्त की तरफ आ रही हैं। एवं आगे क्या दिया है बच्चों, चौड़ाई के अनुसार सागरी धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सतही सागरी धाराएं और दूसरी है गहरी सागरी धाराएं। यहाँ तो सागर धाराओं के प्रकार दिया गया है, गर्म धारा ठंडी धारा, लेकिन गहराई के अनुसार समुद्र में जब जाएंगे उसकी गहराई के अनुसार जो है 2 धाराएं होती हैं, एक सतही धाराएं होती हैं और एक क्या होती है गहरी धाराएं। वह धारा जो सतह के आसपास से गुजरती है और एक धाराएं होती है जो गहरे भाग से चलती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। आगे क्या दिया है, गर्म तथा ठंडी धाराओं के बहने का परिणाम, जब गर्म और ठंडी दोनों धाराएं बहती हैं उसका क्या परिणाम होता है बहने का, उसका बहने क्या परिणाम होता है। यहाँ देखते हैं लोग, गर्म सागरी धाराएं विषुवत रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर तथा ठंडी सागरी धाराएं ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। गर्म सागरी धाराएं विषुवत रेखा कहां बह रही हैं ध्रुवों की ओर, तथा ठंडी सागरी धाराएं ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। इसके कारण महासागरों का जल विषुवत रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। कई बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग मानचित्र में, ये देखिए आप लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये विषुवत वृत्त है, क्या है विषुवत वृत्त। अब यहां से जो धाराएं देखिए उत्तरी माने अपना ध्रुवीय प्रदेश की तरफ बहेंगी वो क्या है गर्म धारा है, और यहां से जो धारा जो है विषुवत वृत्त की तरफ बहती है वो क्या है ठंडी धारा है। बराबर, ये जो है विषुवत रेखा है प्यारे बच्चों, ये पूरे विश्व का मानचित्र है। किसका मानचित्र है, विश्व का। अब विश्व के मानचित्र में देखिए अफ्रीका महाद्वीप है प्यारे बच्चों, क्या है ये अफ्रीका महाद्वीप है, बीच में भूमध्य सागर है, इसके ऊपर देखिए यूरोप महाद्वीप है, क्या है यूरोप महाद्वीप, ये लाइन जो खींची गई देख रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे जब आएंगे ना एशिया महाद्वीप है, क्या है एशिया महाद्वीप, जो पीला कलर दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों यह पूरा क्या है एशिया महाद्वीप है, या ये यूरोप है छोटा महाद्वीप, इसके नीचे क्या है अफ्रीका, एशिया यूरोप और अफ्रीका कितने महाद्वीप हो गए 3, बीच में क्या है भूमध्य सागर, क्या है भूमध्य सागर। अब देखिए कि हमारे देश की स्थिति कहाँ हो सकती है इसमें, यहाँ पर है, कहाँ पर है यहाँ पर है। अब ऊपर आएंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, पश्चिम में, नीचे क्या है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब बीच में देखिए नीला रंग दिखाई पड़ रहा है ना,
ये अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। देख रहे हैं, यूरोप के पश्चिम और अफ्रीका के पश्चिम तट से सटा हुआ है। और इधर प्यारे बच्चों प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ क्या है? प्रशांत महासागर है, जो बड़ा महासागर है विश्व का। यहाँ से धाराएं जो बहती है तापमान कारण। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ये प्यारे बच्चों क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। आज देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, देखो यहाँ क्या लिखा गया है, देख रहे हैं, ब्राजील प्रवाह, माने ये दक्षिण अमेरिका में यहाँ ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। ये धाराएं जो है बह रही, देखिए यह धाराएं जो है विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है? ध्रुवीय प्रदेश की तरफ। ये ठंडी धाराएं क्या हो जाती है? ठंडी धाराएं। अब यहाँ देखिए यह रेखा जो है चली जा रही है कहाँ? ध्रुवीय प्रदेश की तरफ। और यहाँ से एक रेखा आ रही हो ठंडी धाराएं, दोनों यहाँ मिल जाती हैं। दोनों क्या होती हैं? यहाँ मिल जाती हैं, जिसको न्यू फाउंडलैंड द्वीप या ग्रेट बैंक कहते हैं। बराबर। तो ये धाराएं जो है चारों तरफ बहती हैं, प्रशांत महासागर में भी। ये अटलांटिक महासागर है, ये क्या है? प्रशांत है। ये प्रशांत है। इसके ऊपर देखिए जो दिखाई दे रहा है एकदम उत्तर में, इसको हम लोग आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। बराबर। पीले रंग के ऊपर जो ब्लू दिख रहा है, ये क्या है? जल के संकेत हैं। इसको हम लोग आर्कटिक महासागर कहते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप है। बराबर। नीचे देखिए हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर फैला हुआ है। इधर बंगाल खाड़ी है, ये अरब सागर है प्यारे बच्चों। बराबर। तो यहाँ पर जो है धाराओं को स्पष्ट रूप दिखाया गया है, क्योंकि पृथ्वी जो विषुवत रेखा है यहाँ पर सूर्य का तापमान जो है हमेशा अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ेगी तो जगह अधिक घेरती है, और जगह जब अधिक किरणें घेरेगी तापमान वहां क्या हो जाएगा? अधिक। इससे जो है यहाँ पूरे साल जो है क्या होती है? वर्षा होती है और तापमान अधिक होता है। यहाँ से जो ध्रुवों तरफ जो धारा जाती है उसको क्या बोलते हैं? गर्म धारा। और ध्रुवीय प्रदेश से जो धारा विषुवत पृथ्वी की तरफ आती है उसे क्या बोलते हैं? ठंडी धाराएं। और दोनों धाराएं जहां इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर है, वहां पर जो है कोहरे का निर्माण होता है और बड़े पैमाने पर मछलियां जो है वहां पकड़ी जाती हैं। तो प्यारे बच्चे विश्व का मानचित्र है। क्या है? पूरे वर्ल्ड का यह मानचित्र आप लोगों को दिखाया गया है। नीचे भी है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले आगे देख लेते क्या जगह है। आगे देखिए सतही सागरी धाराएं। समुद्र की सतह से 500 मीटर की गहराई तक के भाग में पाई जाने वाली सागरी धाराओं को सतही सागरी धाराएं मानी जाती हैं। समुद्र की सतह से 500 मीटर गहरे क्षेत्र में जो धारा बहती है उसको सतही सागरी धारा कहते हैं। और उसके नीचे जो है 500 मीटर से नीचे जो धाराएं बहती है उसको गहरी धाराएं कहते हैं, गहरी सागरीय धाराएं। तो धाराएं दो प्रकार की हैं, सतही और गहरी। और यहाँ दो प्रकार की है, गर्म धारा और ठंडी धारा। विषुवत वृत्त से जो धाराएं ध्रुवों प्रदेश की ओर बहती हैं वो क्या है? गर्म धारा है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। और जो ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत वृत्त की तरफ बहती है वो क्या है? ठंडी धारा है, जैसे लेब्राडोर। मेरे बच्चों अब हम देखते हैं कि सागरी धाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव। सबसे पहले जलवायु पर प्रभाव। क्या है? सागरी धाराओं का जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। बराबर। क्योंकि जैसे पश्चिमी, यहाँ पर देखते हैं यूरोप में, कहाँ पर? पश्चिम यूरोप। यहाँ पर जो है गर्म क्षेत्र है। क्या है? यहाँ पर गर्म क्षेत्र। बराबर। इसलिए जो है यहाँ पर धाराएं जो है चलती रहती हैं। बराबर। रुकती नहीं, जमती नहीं है। बराबर। क्योंकि जब धाराएं चलती हैं उसका प्रभाव जो है जलवायु पर पड़ता है। बराबर। गर्म धारा और ठंडी धारा दोनों का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? जलवायु पर। क्योंकि हमारे देश इस समय कहीं जलवायु ठंडी है तो कहीं जलवायु क्या है? गर्म है। और कहीं कहीं जलवायु क्या है? सब शीतोष्ण है। इन धाराओं का प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। जिस क्षेत्र में गर्म धाराएं बहती है वहां जलवायु क्या होता है प्यारे बच्चों? गर्म होती है। बराबर। दूसरा दिया है कि सागरीय जीव सृष्टि पर प्रभाव। इससे क्या होता है? सागरी जो है धाराएं इसका जीव सृष्टि प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सागरी जो धाराएं हैं वह जब बहती हैं तो पानी जो है एक स्थान पर जो है रुकता नहीं है, बहता रहता है। बराबर।
और इससे जो है वनस्पतियों का जो है उद्गम होता है, जिससे जो वहां के जीव है, जो समुद्र के अंदर जीव है, उन पे जो है बराबर संतुलन बना रहता है। जब दोनों धाराएं इकट्ठा होती गर्म और ठंडी, तो वहां पर धुंध का निर्माण होता है, वनस्पतियों का निर्माण होता है, शैवाल काई आदि चीज पाए जाते हैं, जिससे वहां की जीव सृष्टि जो है संतुलन बना रहता है। जो समुद्र के अंदर जो है मछलियां पाई जाती है, उनका संतुलन बराबर बना रहता है। तीसरा क्या किया है कि मत्स्य व्यवसाय का प्रभाव, मछली पकड़ी जाती है, कहाँ पकड़ी जाएगी, जहां पर सतही जो है धारा होती है, गर्म और ठंडी धारा जब जहां मिल जाती है, दोनों वहां कोहरे का निर्माण होता है। जैसे प्यारे बच्चे भी जहां गर्म है ठंडा मिल जाए ना, धुआं जैसा फैलता है। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तावा जब गर्म होता है उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो वहां से धुआं निकलता है ना, तो वैसे सेम स्थिति जब दोनों धाराएं इकट्ठा होती हैं तो कोहरे का निर्माण हो जाता है और बड़े पैमाने पर वहां मछलियां पाई जाती हैं। मछलियों का वही खाद होता है, जब वनस्पतियां पाई जाती है समुद्र के अंदर, वही मछलियों क्या है खाद दे पाए बच्चे बराबर, क्योंकि मछलियां किस पर निर्भर है, वनस्पतियों पर। तो ये वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है, जहां तक सूर्य का ताप कीड़े पहुंचती है जमुन के अंदर, समुद्र के अंदर जहां तक सूर्य कीड़े जाएंगी वहां पर जो है वनस्पतियां का उदय होता है, सवाल काई ये सब पाई जाती है बराबर, प्लंकवट इसको जो है यही खाद है मछलियों का बराबर। आगे दिया है सागरीय परिवहन पर प्रभाव, कभी कभी ऐसा होता है जब ठंडी धाराएं आती हैं, देखिए जैसे यहां से आ रही हैं, ध्रुवीय प्रदेशों से जब ठंडी धाराएं आती हैं, ये जल परिवहन को प्रभावित करती हैं। ये क्या करती है, जल परिवहन को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं में आराम से जो है परिवहन होता है, लेकिन जब ठंडी धाराएं होती हैं, यहाँ से जब बर्फ के टुकड़े आते हैं और जब फैल जाते हैं पानी से, इससे यहाँ पर जो है सागर का स्तर जो है वो बढ़ता है, तो ये प्रभावित करता है बराबर। जैसे हम लोग बहुत पहले टाइटैनिक पिक्चर देखे थे, वो डूब गया था जहाज, इसका यही कारण था कि जो ठंडी धाराएं थी उसके पास से गुजर रहा था, तो वहां से जो बर्फ पिघली तो उसको जो है प्रभावित कर गई। इसलिए इससे जो है परिवहन व्यवसाय भी क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रभावित होता है बराबर। ये रहा जो है जलवायु पर प्रभाव, सागरीय जीव सृष्टि प्रभाव, मत्स्य व्यवसाय पर प्रभाव और सागरीय परिवहन पर प्रभाव, ये चार पॉइंट यहाँ आप लोग बताए गए। इसके साथ साथ आप लोग जो है इस मानचित्र को देखेंगे, किताब में मैप है, इसको आप लोग आराम से देखेंगे तो सारे महाद्वीप देखिए आप लोग दिया गया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, सारे जो है महाद्वीप प्यारे बच्चों यहाँ दिए गए हैं। और एक विषुवत वृत्त है, यहाँ पर सभी जो है धाराओं को दर्शाया गया है। अब देखिए जो विषुवत वृत्त की तरफ जो है ध्रुवीय तरफ सागरीय धाराएं जा रही है, वो क्या है, गर्म धारा है, और जो इधर से देखिए ये धाराएं जा रही हैं, ये सब क्या है, ठंडी धारा है बराबर, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों पर बर्फ हमेशा है, इसलिए यहाँ से जो है ठंडी धाराएं चलती है। अब इसके बाद गहरे सागरीय प्रभाव, यहाँ पर देखो नीचे आप लोग देखिए, तो यहाँ पर भी जो है दो धाराएं दिखाई गई है ना, एक नीले रंग से, एक जो है उसके अलग रंग से, तो गहरी सागरीय धाराएं हैं बराबर। अब देखिए दोनों को अलग अलग दिशा में दर्शाया गया है, इसको आप लोग जो मैं कल इसको विस्तार पूर्वक उसको पढ़ाऊंगा बराबर। पहले इतना हम लोग जान लेते हैं और घर काम देख लेते हैं क्या है, गृह काम। पहला है सागरी धाराएं किसे कहते हैं, दूसरा है गर्म तथा ठंडी धाराओं के बहने का परिणाम लिखो। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों का दो गृह कार्य है, कितना है, दो गृह कार्य, इसको आप लोग जो है करके आप लोग ग्रुप पर जो है इसको भेजिए, शुक्रवार शनिवार का समय होता है, कुछ ही बच्चे भेजते हैं, आप सभी लोग बार बार देखिए वीडियो को और देख करके घर काम आप लोग कीजिए, जो यहाँ पर हैं सभी लोग गांव में हो वहाँ पर भी जा रहा होगा, यूट्यूब पर देखिए, अपने ग्रुप पर देखिए, तो आप लोग जो घर काम करके पूरा करेंगे। पांचवा पाठ चल रहा है, इसका पहला भाग पढ़ा दिया हूँ, और फिर जब मिलूंगा तो अगला भाग पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।